सो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप जाना चाहते हो कुफरी, तो अगर आप आ रहे हो संकट मोचन या सोखी की तरफ से, तो पुराने बस स्टैंड ना जाओ, शिमला ना जाओ, उसके बजाय आप MLA क्रॉसिंग पे उतर सकते हो। और अभी हम लोग MLA क्रॉसिंग पे ही हम लोग बस का वेट कर रहे हैं कुफरी के लिए। यहाँ से डायरेक्टली कुफरी के लिए बस हमें मिल जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड आज हम जा रहे हो कुफरी। और आज की डेट में जब भी आप गर्मियों के समय में आते हो कुफरी घूमने आते हो, तो आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है। आप देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है। इसीलिए कभी भी आप आओ तो आप जो है ढली उतर सकते हो। ढली से आप पैदल यहाँ से ट्रैक करके आप जा सकते हो। तो इस समय हम लोग ढली पे ही उतरे हुए हैं बस से। हम लोगों ने सीधा न्यू बस स्टैंड से हम लोगों ने बस पकड़ी, फिर ढली उतरे, फिर हम लोग यहाँ से अभी पैदल जा रहे हैं। और इसके बाद ये पहाड़ी एरिया देख सकते हो कितना ज़्यादा नीचे है। और वो रही सेब की खेती हो रखी है वहाँ पर। ये सिद्धू भाई बता रहे थे कि ये जो सेब की खेती होती है 5 साल लगते हैं सेब को पैदा होने में, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो वो पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक खेती है। तो आप देख सकते हो कितना नीचे तक है। कैमरे में भले ही आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर आप जब आप कुफरी आओगे, जब आप खुद आँखों से देखोगे, तो आपको पूरा रियलाइज़ होगा कितना नीचे तक, कितना गहरा है ये। यहाँ पे अच्छी खासी मूवी शूट हो चुकी है शिमला के अंदर, और कुफरी के अंदर ऋतिक रोशन की बैंग बैंग मूवी जो है शूट हुई है। और अभी हम लोग उसी ग्रीन वैली के अंदर जाने वाले हैं, देखने वाले हैं एक कैसा है, हमें अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा अच्छी खासी। क्योंकि जो चीज़ें हम लोग पर्दे के अंदर देखते हैं, मूवीज़ के अंदर देखते हैं, वो हम लोग आज रियली में देखने वाले हैं। सो अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। तो गाइस, हम आ चुके हैं अंदर इस ग्रीन वैली के अंदर। एंड आप स्टार्टिंग का नज़ारा देख सकते हो। ये हम लोग के हाथ में साइकिल आ चुकी है और हम लोग रेडी हैं अंदर का नज़ारा देखने के लिए। आप ये जंगल देख सकते हो कितना ज़्यादा घना है। अभी जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको आगे बताते जाऊँगा। हेलो ब्रदर्स, ये सामने शिमला की ग्रीन वैली दिख रही है आपको। ये टोटली एरिया ग्रीन है देवदार के पेड़ों से, टोटली एरिया। और इसमें हम साइकिलिंग कर रही है, ये देखो, ये निहाल जी, ये विनय जी। सो गाइस, आ चुके हैं अपनी धन्नों पर। साइकिलिंग का टाइम है राइट, और हम जा रहे हैं जंगल की तरफ। आप देख सकते हो पूरा का पूरा व्यू हमारे पीछे, देख सकते हो कुछ लड़के, मज़ा आ रहा है राइट। और भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जंगल पूरा सुनसान है और सबसे ज़्यादा घना जंगल है। तो एशिया के सबसे डेंस फॉरेस्ट में इस वक्त हम हैं। हम 3 लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपको भी रिकमेंड करेंगे कि अगर आप शिमला आते हो एक बार डेंस फॉरेस्ट जरूर आओ, घूमो और नेचर का लुत्फ उठाओ। भाई क्या कहना चाहोगे? भाई मजा आ रहा है, मजा। लाइफ में सभी कमाते हैं पैसा, लेकिन जिंदगी में पैसा स्वाद नहीं देता। जो स्वाद आता है वो तब आता है जब आपके पास फ्रीडम हो। ये ऊपर वाला पहाड़ आपको हल्का सा दिख रहा होगा, 2 पेड़ों के बीच में, एक्चुअली ये गुफा भी हो सकती है, खतरनाक दिख रही है। और यहाँ हर जगह बोर्ड पर ये लिखा हुआ है कि शोर ना करें राइट।
तो यही चीज़ शायद इसलिए कि यहाँ पे जानवर वगैरह हैं, तो जानवर जब डर जाता है तो वो इंसान पे हमला भी करता है। और इस समय हम लोग एशिया के सबसे डेंस फॉरेस्ट में हैं, तो इसीलिए हम लोग बहुत शांति से यहाँ से निकल रहे हैं अभी, बाकी एंजॉय कर रहे हैं लेकिन साइलेंट वे में। तो सेम चीज़ आप भी करना जब आप आते हो। साइकिल भी खींचनी पड़ रही है अपने को, राइट। देखो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। सो अपना अभी 3 किलोमीटर का और है ट्रैक, तो लेट्स सी। अगर मैं बात करूँ निहाल जी की, तो निहाल जी अभी पीछे ब्लॉग बना रहे हैं, राइट। लाइक आप पेड़ के बीच के डिस्टेंस देख सकते हो कितने पास पास है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस जर्नी है ये। सो गाइस ट्रैक अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर के आसपास का रह गया कंप्लीट होने के लिए, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ हमारे धुरंधर आ रहे हैं 6 किलोमीटर साइकिलिंग करके, ये गाइस। तो लगभग 7 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके, और हम लोगों ने साइकिल पीछे ही हम लोगों ने छोड़ दिया है, और इस समय हम लोग बढ़ चुके हैं आगे, और ये जो डेस्टिनेशन है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अद्भुत है। हम यहाँ पे जो भी बोलेंगे हमारी आवाज वापस से रिफ्लेक्ट होके आती है। जैसे देखो विनय, यस निहाल, आप देख रहे हो किस तरीके से आवाज हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है। हाउ इज द जोस जंगल में। और यहाँ का एंजॉयमेंट हम लोगों ने जितना करा, यहाँ कि जो भी प्राकृतिक चीजें हैं बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ हमारा ट्रैक खत्म होता है, फाइनली हम एंड तक पहुंच गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। ये आप देख सकते हो, और मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, राइट। ऊपर की तरफ जाओगे तो एक सियोग फॉरेस्ट के नाम से रेस्ट हाउस है, आप अगर आपको स्टे वगैरह करना है तो वहाँ पर स्टे कर सकते हो। बाकी हमारा एंड ऑफ नेचर वॉक यहीं पर ख़त्म होती है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, राइट। अब हमको वापस जाना है फिर से 7 किलोमीटर साइकिलिंग से, ये देख सकते हो। गाइस तो बहुत अच्छी खासी हम लोग की फ़ोटो यहाँ पर शूट हुई है, इसके बाद हम लोग जल्दी से हम लोग अपने बाइक साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से तुरंत बाइक साइकिल उठा के हम लोग यहाँ भागने वाले हैं। राइट 7 किलोमीटर अंदर की तरफ आए थे, अब बाहर की तरफ जा रहे हैं, बट एक दुखद खबर ये है कि हम 3 लोग 3 साइकिल्स लेके आए थे, जिसमें से 2 साइकिल्स तो ठीक है लेकिन एक पिंचर हो चुकी है, राइट। आप देख सकते हो सिद्धू भाई की बिल्कुल पिंचर हो चुकी है साइकिल। सो कैसे ना कैसे अब देखते हैं, 7 किलोमीटर अंदर है जंगल के, राइट, और शाम हो चुकी है, रात होने में कुछ ही टाइम बाकी है, राइट। सो 4:30-5 बजे का टाइम हो रहा है, तो हम जा रहे हैं, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। वो कम से कम 1 घंटा लग जाना है इसी जंगल के अंदर, क्योंकि 7 किलोमीटर का ट्रैक आसान नहीं होता, और जब तुम्हारी साइकिल पिंचर हो चुकी हो, राइट। सो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं, बाकी बाय बाय। हमारा 3.5 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ है अभी, और हम जंगल में फंस चुके हैं, हमारी टायर की हालत देखो,
इस टायर की हालत देखो, बस एक साइकिल है जो सुरक्षित अभी तक जाने वाला है। ओ अब मेरे को इनके साथ पैदल पैदल चलना पड़ेगा और 3.5 किलोमीटर में लगभग हमको लगने वाले हैं 1 से 1.5 घंटे और रात होने वाली है, सूरज छिप से का है मोस्टली राइट, और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस हम लोग को तो बहुत मज़ा आ रहा है, हमारे जो टूरिस्ट गाइड है इनकी हालत अभी ख़राब हो चुकी है, सब हमसे ज़्यादा टेंशन में तो ये है इस समय, नहीं अच्छे से हर एक चीज़ इनको पता है जंगल के अंदर और कितने बजे तक हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से, हर एक चीज़ इनको पता है। कभी भी आप आ रहे हैं यहाँ पर शिमला घूमने के लिए, कुफरी घूमने के लिए, तो सिद्धू भाई से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और इस समय हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो है हसन वैली, ये देखो इधर ये है पूरी हसन वैली, आप देख सकते हो यहाँ से पूरा अलग ही नज़ारा है जो हसन वैली का आता है। सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा मेरी अब तक की सबसे फेवरेट जगहों में से ये एक है। तो गाइस आप इसका गहराई आप देख सकते हो और वो जो पॉइंट है, हम लोग वहाँ से ही हम लोग साइकिल से होते हुए आए हैं, लगभग अभी हम लोग की 2.5 किलोमीटर की और जर्नी अभी बाकी है जो कि हम लोग को पैदल चल के ही कवर करना पड़ेगा। टायर एकदम पंचर हो चुका है, हालत ख़राब हो चुकी है चलते चलते, और हम लोग डेंजर जोन से तो एटलीस्ट हम लोग बाहर निकल गए जहाँ पे हम लोग को बहुत सारी जानवरों की, पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। चलो पक्षी की आवाज़ तो पूरे जंगल में आती है, बट बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर थे जो कि शाम के समय निकलते हैं और इस समय शाम भी हो रही है, तो हम लोग को जल्दी ही निकलना पड़ेगा यहाँ से। सो गाइस बाहर आ चुके हैं हम, अब मेन रोड पे हैं बस पकड़ने के लिए राइट, हम सभी लोग आ चुके हैं। एंड अगर आप मौसम देखना चाहो तो आप देख सकते हो राइट, मौसम कितना ख़राब हो रहा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा दूर दूर तक क्योंकि बारिश आने वाली है और हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं राइट। तो हम अभी अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच। हाँ अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी चीज़ आपको सबसे बेस्ट लगी और कहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है राइट। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।